गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर का आईएससी 2015 में जो क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है, बना के भी दिखाऊंगा। उम्मीद करता आपको समझ में आएगा। पहले आप क्वेश्चन को देखो। राम कृष्णा मोहन ये पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:5:2। 31 मार्च का उनका एक बैलेंस शीट है। बिल्डिंग प्लांट इन्वेंटरी ट्रेडमार्क रिसीवेबल कैश ये ऊपर से 6 एसेट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पास्ट लॉसेस हो गया। क्रेडिटर लायबिलिटी जनरली जर पास्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैपिटल में बांटते हैं ओल्ड रेशियो, लॉसेस कैपिटल का 2 में बांटते हैं ओल्ड रेशियो। ये तीनों का कैपिटल बैलेंस है। यहां देखिए कृष्णा डाइड किया है 30 सितंबर को। बैलेंस शीट देखिए मार्च का है, तो इसका मतलब हुआ 6 मंथ, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना के बाद कृष्णा सेकंड पार्टनर का डेथ हो गया। यहां गुडविल वैल्यूएशन के लिए दिया है 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, ये 3 साल का प्रॉफिट दिया, एवरेज करके 2 से इंटू करेंगे गुडविल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडमार्क का वैल्यू हो गया 19,200, अंदर था 26,400, रिड्यूस हो गया। प्लांट 20% रिड्यूस हो गया। अब बिल्डिंग का दाम 48 से बढ़ गया, ये रिवैल्यूएशन है, एक लाइन का ये रिवैल्यूएशन है। कृष्णा का शेयर ऑफ प्रॉफिट देखिए, 6 महीना कृष्णा करेंट ईयर में था, तो 6 महीना में उसको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए उसके लिए बोला है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होगा प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर में देखिए 36,000 प्रॉफिट है, ये पूरे ईयर का है, तो 6 महीना का हाफ हो जाएगा, फिर उसके बाद कृष्णा का शेयर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6 मंथ का देंगे, यहां लिखा है 60,080 उसको इमीडिएट पेमेंट कर देंगे, अब बाद बाकी उसके रिप्रेजेंटेटिव को देते रहेंगे। ये बनाना क्या है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और सिर्फ कृष्णा का कैपिटल बनाना है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोला था ट्रेडमार्क का वैल्यू 19,200 हो गया, और जबकि 26,400 था, तो 2 ट्रेडमार्क 7,200 कम हो गया। इसके अलावा बोला था प्लांट 80% दैट इज 20% कम हो जाएगा, 2 प्लांट 14,400 72,000 का 20%। बिल्डिंग का दाम 57,600 हो गया, इंक्रीज कर गया, बाई बिल्डिंग 48 का था 9,600 इंक्रीज कर गया, फिर भी रिवैल्यूएशन में लॉस ही हो रहा है। ये हो गया 21,600 बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम कृष्णा मोहन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 12,000 का लॉस हुआ। रेशियो के हिसाब से अगर देते हैं तो 3,600, 6,000, 2,400। अब इम्पोर्टेंट वन है कैपिटल अकाउंट, तीनों का नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर डेथ किया है दैट इज कृष्णा। तो बाई बैलेंस बीडी कृष्णा का था 69,600। अगर याद हो तो आपका अभी आया है 2 रिवैल्यूएशन कृष्णा का 6,000। पास्ट लॉसेस में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000 ही था, तो इसको 6,000 ही मिलेगा। बाई जनरल रिजर्व पास्ट प्रॉफिट के रूप में जनरल रिजर्व 16,000 था, इसको हाफ मिल जाएगा रेशियो के हिसाब से 8,000।
और यहाँ एक चीज और ले आते हैं, बाई गुडविल लाएंगे, लेकिन गुडविल का पहले वर्किंग करना होगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो था 3:5:2, कृष्णा के मरने से न्यू रेशियो 3:2, इसका डेथ हुआ। गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला देंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट के जगह पे देते हैं 31,200 प्लस 28,800 प्लस 36,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, यहां से 30, 30, 60, 96, 32, 64,000 गुडविल आ गया। कृष्णा का शेयर कैलकुलेट करते हैं, कृष्णाज शेयर 64,000 × 5/10 दैट इज 32,000। तो कृष्णा का शेयर 32 आ गया, यहां पे रुके थे गुडविल कृष्णा का निकाले हैं 32,000। डेथ का जो मेन एडजस्टमेंट होता है उसको बार एक बार नजर आप देख लो, लिखा है कृष्णा का प्रॉफिट देना ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%, ठीक है। तो यहां पे लाते हैं, ये आपका कृष्णा का कैपिटल है, बाई प्रॉफिट के लिए लाते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, अब बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए भी हमको वर्किंग करना होगा। तो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ दैट इज 6 मंथ का प्रॉफिट चाहिए, द लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 36,000 और 6 मंथ का चाहिए तो 18,000 और इसमें कृष्णा शेयर करना होगा, 18,000 में कृष्णा का शेयर है 5/10 दैट इज 9,000। और उसके बाद और एक चीज कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कृष्णा का कैपिटल था 69,600, इंटरेस्ट का रेट है 10%, मंथ है 6/12 3480 शायद, हाँ ठीक है 3480 इंटरेस्ट। अब ले आते हैं बाई पीएल सस्पेंस का अमाउंट लाए थे 9,000, इंटरेस्ट लाए थे 3480। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, ये साइड प्लस होगा, इधर लाएंगे टू कृष्णास लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंट ट्रांसफर, उसका क्रेडिट प्लस करते हैं, क्रेडिट है 69,600 प्लस 8,000 32,000 9,000 3480 122,080 122,080। आइए माइनस कर देते हैं 6,000 6,000 110,080। ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट उसके नीचे ही रखे हैं, उसमें आ जाएगा बाई कृष्णास कैपिटल अकाउंट 110,080। इसके रिप्रेजेंटेटिव को इमीडिएट पैसा देना है, टू बैंक अकाउंट 60,080 दे देना है, अब बाद बाकी पैसा धीरे धीरे पे करेंगे, तो बाद बाकी के लिए टू बैलेंस सीडी हो जाएगा,
तो 110080 110080 ये गया, 50,000 बच गया। तो ऐसे करके रिक्वायरमेंट में था रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन तो आप जानते ही हो, कैपिटल सिर्फ कृष्णा का था तो उन लोगों का नहीं बनाए और ये एक रिप्रेजेंटेटिव बनाए। सबसे इम्पोर्टेंट था वर्किंग, वर्किंग आप देख लो गुडविल जानते हो, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर पर्सन। डेथ का ये वर्किंग समझिए, प्रॉफिट जितना दिन ये पर्सन एज ए पार्टनर था दैट इज 6 मंथ, 6 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको शेयर दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। प्रॉफिट का एंट्री पीएल सस्पेंस के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। इस सवाल में बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला था इसलिए बैलेंस शीट नहीं बना रहे। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।